हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्काई स्ट्रेंथ्स। आज मैं आपको ये कुर्ती जो है इसको कैसे डिज़ाइनर में मैं बदलाने वाली हूँ ये आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी, इसलिए आप वीडियो के एंड तक बने रहेगा। फ्रेंड्स, ये चेक्स फैब्रिक था, उसमें मैंने एक कुर्ती सिलवाया। अभी जाके मुझे ये थोड़ा सिंपल लग रहा है, इसको मुझे डिज़ाइनर लुक देना है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसको मैं गले से लेके बॉर्डर तक कैसे मैं डिज़ाइनर लुक दिया है। फ्रेंड्स, ये देखिए, मैं अब इस कपड़े को स्टैंड में अच्छे से फिक्स कर लिया है फ्रेम में। अभी इधर आप देखो तो ये मैंने सिल्क थ्रेड लिया है, सिल्क थ्रेड को 6 स्ट्रैंड्स में बदला है। देखिए, 6 तागे का एक स्ट्रिंग बना करके, जैसे हम एंकर थ्रेड बनाते हैं घर पे, वैसे मैं सिल्क थ्रेड लिया है, क्योंकि इसमें जो सिल्क टेक्चर आ रहा है उसको मुझे मैच करना है। आप चाहे तो कॉटन थ्रेड भी ले सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं चेन स्टिच इस गले में डालने के लिए। को हम ऐसे लेंगे, फिर नीडल को इस तरह से बाहर निकालेंगे। फ्रेंड्स, अब हम इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे, फिर इसको फिर भी फ्रेम में सेट करके हम बुलियन स्टिच दे देंगे। ये देखिए, मैंने नेक को ऐसा शेप दिया, फिर जो भी स्ट्राइप्स है मेरे चूड़ीदार में ऑलरेडी, इसमें मैंने ऐसे वाले स्टिचेस लगा दिया। इस स्टिचेस ज़्यादा आपको यूट्यूब में अवेलेबल है। कांता स्टिच है ये, स्ट्रेट स्टिच और ये क्रॉस स्टिच है। तो इसका मैंने 5 लाइंस डाल दिया। सेम बॉर्डर में भी मैंने इस तरह से चेन स्टिच लगा लिया है फ्रेंड्स। अभी बॉर्डर को मुझे कुछ ज़्यादा एनहांस करना है, इसीलिए मैं इधर चेन स्टिच और क्रॉस स्टिच दोनों यूज़ कर रही हूँ। ये मैं आपको अभी एक सैम्पल बताऊँगी, फिर कंप्लीट करूँगी। फ्रेंड्स, मैं इधर नॉर्मल स्टिच लेके इधर जो मार्क मेरा है इसमें आकर के 5 चेन स्टिच लगा रही हूँ, फिर नॉर्मली कंटिन्यू कर रही हूँ। अभी मैं दूसरा इस सैंडल वाला सिल्क थ्रेड फिर से ले रही हूँ और क्रॉस स्टिच लगाने वाली हूँ। ये देखिए, इसको हमें ऐसे लेना है।
ये देखिए ऐसे करके हमें सारा बॉर्डर इसको कंप्लीट करना है। मैं ख़त्म करके फिर आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। अभी हम बीच में इसमें एक एक पर्ल्स लगाएंगे और उसको फिर के एक फ्लावर शेप दे देंगे। देखिए फ्रेंड्स मैंने पर्ल्स लगा लिया है, अब इसको फिर के हम स्टिच लगाएंगे। अभी इसको थोड़ी देर के लिए इसको ड्राई होने छोड़ते हैं, फिर इसमें वर्क कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए अभी ये सूख गया है, हम इसको फिर के अभी चेन स्टिच लगा देंगे। अभी ये देखिए ये बॉर्डर फाइनली ऐसा लगेगा। अभी ये जो स्ट्राइप्स है इसके बीच में मुझे ऐसे स्टिच लगाना है, इसलिए मैंने 1 2 3 4 5 6 7 नॉर्मल स्टिच दे करके फिर 4 चेन स्टिच दिया है। ऐसे हम इसको कंटिन्यू कर देंगे। देखिए इसमें मैंने 7 नॉर्मल स्टिच दे दिया, अभी इसको मैं चेन स्टिच से कंटिन्यू कर रही हूँ। अगर आपके पास स्ट्राइप्स वाली क्लॉथ ना हो तो कोई बात नहीं है, आप खुद ही स्केल लेके मेजरमेंट 5 इंचेस का मेजरमेंट लगा करके आप खुद ही स्केल से लाइन खींच लेना, फिर इसे डिज़ाइन कर लेना। अभी मेरा 4 चेन स्टिच हो गया, अभी इसमें नॉर्मल स्टिच दे रही हूँ। 5 6 और 7 ये स्टिच किया हुआ कुर्ती है, इसीलिए मैं फ्रेम नहीं लगा पा रही हूँ। अगर आप पहले मटेरियल में ही डिज़ाइन कर लेंगे तो आपको इजी रहेगा। इसके बाद फिर से हम ऐसे 4 स्टिचेस दे देंगे। आप जितना चाहे बढ़ा सकते हो या कम भी कर सकते हो, वो आपके क्रिएटिविटी पे डिपेंड कर सकता है।
फ्रेंड्स ये देखिए मैंने सारे लाइंस को ऐसे कंप्लीट कर लिया। अभी इसमें मैंने फैब्रिक ग्लू लगा दिया ताकि मैं इस पर्ल्स को स्टिक कर सकूं। फिर इसको फिर के हम चेन स्टिच लगाएंगे और ख़त्म कर देंगे। ये देखिए अभी मैंने सारे पर्ल्स को चिपका लिया। अभी मैं इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दूँगी। फिर जैसे यहाँ पे चेन स्टिच लगाया है मैंने, ऐसे सारे पर्ल्स में लगा के फिनिश करके आपको बताऊँगी। फ्रेंड्स ये देखिए मैं सारे पर्ल्स के ऊपर ऐसे चेन स्टिच लगा लिया है। मेरा ये कुर्ती अभी कंप्लीट हुआ। मुझे इतना ही काफ़ी लगा तो मैंने खड़ा लिया। अगर आप चाहो तो इसमें जितने भी लाइंस दिख रहे हैं वो सब में भी आप लाइंस खींच के आप ये पैटर्न बना सकते हैं। मुझे इतना ही काफ़ी था तो मैंने रोक लिया। अगर आपके मटेरियल में ऐसे लाइन ना हो तो भी आप खुद ही लाइन ड्रा करके इसमें ऐसे पैटर्न बना सकते हैं। आप यही पैटर्न साड़ी में भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स मेरा ये कुर्ती तो ट्रायल था। ट्रायल करते करते मैंने सोचा कि क्यों ना आपको भी इसको बता दूं, क्योंकि जब भी मैं आपको वीडियो में डालती हूँ काम फिनिश करके फिर डालती हूँ। इस बार पहली बार मैंने ट्राई किया कि वर्क करते समय ही आपको थोड़ा थोड़ा सा अपलोड कर दूँ ताकि आपको भी यूज़फुल हो। तो इस वीडियो आपको कैसा लगा, इस पैटर्न वर्क आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।